हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड मैं आज लेकर आया आपके लिए एक और रिव्यू वीडियो, विच इज अ मेकअप रिव्यू वीडियो। बेसिकली विल बी रिव्यूइंग दीज इनसाइड कॉस्मेटिक्स से शो टाइम आई शेडो पैलेट्स। यहाँ पर मेरे पास दो पैलेट्स है। विल बी स्वॉचिंग ऑल द शेड्स एंड यूजिंग दिस। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन हिट कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करिए फॉलो कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक्स के शो टाइम आई शेडो पैलेट। वन इज़ इन द शेड मून लाइट एंड अनदर इज इन द शेड पर्पल हेज। ये मैंने पिंक फ्राइडे सेल्स के टाइम पे लिया था। दीज रिटेल फॉर आई गेस 235 रुपीज़। आई गेस मुझे 200 रुपीज़ में मिल गया था। इसमें है मेकअप पाउडर एंड विटामिन ई। दिस क्लेम्स ये क्रीमी फील देता है, सॉफ्ट टेक्सचर फॉर्मूला है, ब्लेंड एफर्टलेसली, सुपर पे ऑफ, कंफर्टेबल टू वेयर। सो लेट्स टेस्ट दिस आउट। फर्स्ट लेट्स ओपन मून लाइट। दोनों में से एक एक आई स्पेस ये लगा के भी देखेंगे। विल सी हाउ इट टर्न्स आउट। पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। दिस इज अपर, ये इसको रिमूव कर देते हैं। ये शेड मून लाइट, इसमें कुछ तरीके की लॉक ओपनिंग है, जिससे ना अगर आप ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं तो स्पिल नहीं होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स ट्राई आउट हाउ दिस कम्स। इसमें आपको थोड़ी बहुत न्यूट्रल शेड्स मिल जाएंगे, अ ब्लू, अ ग्रीन एंड अ ग्रे शेड ऑल्सो, सो दैट यू कैन क्रिएट वेरियस आई लुक्स। लेट मी शो यू द स्वॉचेस। एक काम करते हैं, पहले दोनों पैलेट ओपन कर लेते हैं, देन फिर एक पैलेट से एक आई शेडो एक लुक क्रिएट करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड आई शेडो पैलेट कॉल पर्पल हेज। इसमें पर्पल के शेड सबको मिल जाएंगे। ओके, आई कैन सी सम रियली ब्यूटिफुल शेड्स हियर। आई कैन सी सम रियली ब्यूटिफुल शेड्स हियर। सी दिस, इसमें कोई भी मिरर वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई ब्रश है, सिंपल पैलेट। बट आई थिंक 200 रुपीज़ के लिए यू गेट 6 कलर्स, विच इज़ रियली गुड थिंग। साइड बाय साइड द पैलेट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो एक आई पे हम लोग इससे लेट्स क्रिएट अ लुक एंड सेकेंड आई पे हम उससे क्रिएट करेंगे सम ब्रशेज ऑल्सो। योर लेट्स टेक अ ब्राउन शेड एज ट्रांजिशन बेस शेड। ओके, पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। एक स्वाइप में ही काफ़ी अच्छा सा पिगमेंटेशन आ गया है। ओके, अभी मैंने यहाँ पर कलर डिपॉजिट कर दिया है। नाउ लेट्स ब्लेंड दिस आउट। This I am taking as a transition shade. You can see that कितना beautiful सा color आया है यहाँ पर। And this is only and only with one swipe. बिल्कुल मैंने second time color नहीं लिया है। I must say blending के लिए भी बहुत ज़्यादा easy है, at least ये वाला shades. Let's take another one. Let's take this blue shade. We'll blend it inside. हर की तरफ ये शेड ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा फॉल आउट है। द पिगमेंटेशन अच्छी है, बट जो वाइब्रेंट ब्लू कलर दैट आई वाज थिंकिंग इट विल गिव वो नहीं दिया है। थोड़ा सा ब्लैकिश डार्कर साइड में जा रहा है, विच आई एम बिट ऑफ एंड फॉल आउट बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी दैट ये पूरा मेरा ब्लैकिश हो चुका है। आई हैव टू अप्लाई कंसीलर अगेन। ब्रश लेके आई बी यूजिंग दिस डार्क ब्राउन कलर एंड इसको आउटर कॉर्नर्स में लगाएंगे। लेट्स सी इसका पिगमेंटेशन कैसा है। इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो चुका है। बट जो ब्लू वाले का टेक्सचर एक्चुअली आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। एंड अगर आपको ब्लू वाले के ऊपर से अगर कुछ भी घुमाओगे ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, विच इज़ अ वन ऑफ थिंग दैट आई एम फीलिंग। दिस कलर इज़ लाइक फॉलिंग आउट एवरी वेयर, यहाँ पर एवरी वेयर दिस कलर इज फॉल। उसके बाद लेट्स टेक द शिमरी कलर। ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लगा है बीच में, एज यू कैन सी दैट। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू दिस पैलेट विच इज़ पर्पल हेज। आई हैव रियली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पैलेट। Let's take this color as a transition shade. You can see that
ब्यूटिफुल ब्लेंडिंग बहुत टेक लेट्स टेक दिस कलर एज अ इनर शेड एंड दिस कलर एज अ आउटर कॉर्नर दिस कलर इज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुल यू कैन सी दैट कितना ये जो पर्पल हेज के कलर्स है ना बहुत ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं rather than the moonlight. Now let's take this proper purple shade. Done beautifully blended, looking really beautiful. And I think this eyes is looking much much better than this eye. इसमें जो color pop out हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है. Applied the eyeliner on both the sides and you can see the difference. So let's go to the verdict, that is hits and misses. Let's start. First of all, it is affordable. 200 rupees में 6 palette eyeshadow color is beautiful. अगर आप beginner हो, अगर आप सीख रहे हो या फिर you want to experiment, बहुत सारे आपको colors चाहिए, then you can definitely try out these palettes. Second, blendability is beautiful. They blend beautifully, easily blend हो जाते, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती. थर्ड वन, पर्पल हेज आई शेडो पैलेट इज ब्यूटिफुल, कलर्स बहुत ही जैसे पॉप आउट हो रहे हैं एंड आई लुक बहुत ही सुंदर निकल के आया है. फोर्थ, इट हैज़ अ लॉक ओपनिंग सो यू कैन टेक दिस इन योर ट्रैवल बैग एज वेल. नाउ वी गो टू मिसेज. मिसेज में फर्स्ट वन इज फॉल आउट बहुत ज़्यादा है. अगर आप कोई डार्क कलर लगा के कर रहे हो, फॉल आउट इतना ज़्यादा है कि पूरा अंडर आई डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है पूरा मेरा यहाँ से जो है. This also has gone turned dark, turned black. Maybe कैमरे में इतना दिख रहा है बट यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है. फॉल आउट इज़ टू मच. सेकेंड थिंग, जो डार्कर शेड्स है जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन, दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल. यू कैन सी द कलर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया है बट आई डोंट नो, दे आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द आईज. आपको पता ही नहीं चलेगा ये ब्लू है कि ग्रीन है या फिर ब्लैक है या ब्राउन है. इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग. So that was my review video of these Insight ka Showtime eyeshadow palettes. This one I loved it, this one I did not. Isme jo neutral shades that I loved it. Main bahut ajeeb si lag rahi with two eyeshadow but agar aapko dikhana hai to ye to karna hi padega. I'll put some closer looks of these eyeshadow palettes as well as of my eyes in here. You can check that out. Sabke links aapko description box mein mil jayenge. You can check that out as well. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय.